Hello guys, welcome once again to Nifty and Bank Nifty analysis from tradingfrap.in. कल अभी 11th में क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल हो सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में, ये आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले 60 मिनट के चार्ट को देखते हैं। आज गैप ऑफ ओपनिंग देखने को मिली, सेकेंड टारगेट जो था इसी के ऊपर निफ्टी इंडेक्स ओपन हुआ और पूरे दिन सेकेंड टारगेट के ऊपर ही ट्रेड करते रहा। 5 मिनट की चार्ट में देखें तो क्लियर पिक्चर समझ आएगा। ये देखिए यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ लेकिन दिन भर एक अच्छी खासी वन वे साइड मोमेंटम यहाँ पर नहीं दिखी, एक साइडवेज कंसोलिडेशन फेज में ऊपर की लेवल के आसपास ये ट्रेड हो रहा था, तो कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही थी आज कल के प्लान के अकॉर्डिंग। अभी कल क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते उसको एक बार आइडेंटिफाई करते हैं। डेली चार्ट को एक बार देख लेते हैं। डेली चार्ट में जैसे कि हमने यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ किया था इस तरह से 20, 50, 100, ये जो शॉर्ट टर्म मिड टर्म और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस है ये असेंडिंग ऑर्डर्स में, तो ये बुलिश ट्रेंड माना जाता है और जब भी इसके ऊपर कोई इंडेक्स या स्टॉक ट्रेड करता है तो ट्रेंड बुलिश है ऐसा माना जाता है। तो फ्राइडे के दिन हमने देखा एग्जैक्ट 50% के पास इसने रेजिस्टेंस फेस किया और अभी आज एग्जैक्ट 61.8% के पास फिर से इसने ये लेवल को अचीव किया, इसी के पास इसने रेजिस्टेंस फेस किया है, इसके ऊपर नहीं जा पाया। तो अभी हो सकता है इस लेवल के पास से ये टर्न हमें दिखाए, क्योंकि ये जो लेवल्स है दोनों 61.8% और 50% मोस्ट ऑफ द टाइम इन लेवल्स के आसपास से एक रिवर्सल ट्रेंड हमें देखने को मिलता है। लेकिन जबकि ये जो 15,000 का एक साइकोलॉजिकल बैरियर आ रहा है इसी लेवल के आसपास, ये फर्स्ट अटेम्प्ट, ये सेकेंड अटेम्प्ट, अभी ये थर्ड अटेम्प्ट है, तो थर्ड अटेम्प्ट में हो सकता है ये इसे भी ब्रेक करे और तेजी निफ्टी इंडेक्स में हमें देखने को मिले। लेकिन अगर कैंडलस्टिक्स के पैटर्न को देखें तो आज दोजी जैसा पैटर्न बना है, फ्राइडे के दिन भी दोजी जैसा पैटर्न बन रहा था, गैप अप ओपन हो रहा है लेकिन ट्रेंड कैरी नहीं कर पा रहा है, वहाँ पर बुल्स की एंट्री ज़्यादा नहीं हो पा रही है, तो हो सकता है यहाँ पर एक करेक्शन आए छोटा सा, इस 20 EMA को ऊपर की तरफ ये सपोर्ट टेस्ट करे और फिर ये ऊपर की तरफ बढ़े, क्योंकि हमेशा अपसाइड ट्रेंड जो आता है वो ऐसे डायरेक्शन में आता है, हायर हाई हायर लोज बन के चलते हैं और डाउन ट्रेंड लोअर हाईज लोअर लो बन के चलते हैं। ये टेक्निकल लैंग्वेज है, जो फ्रेशर्स हैं नए हैं उनको शायद समझ में नहीं आता होगा, तो उनके लिए हमारा जो कोर्स है और बेसिक टू एडवांस टेक्निकल एनालिसिस स्टडी, तो ये आप कर सकते हैं। आपको और डिटेल्स चाहिए तो इस नंबर पे ऊपर हमें कॉल कर सकते हैं, आपको आगे की डिटेल्स जानकारी दी जाएगी। तो फिलहाल डेली चार्ट का ये सिनेरियो है, अभी चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स होंगी इसको आइडेंटिफाई करेंगे। ये 60 मिनट का चार्ट है निफ्टी इंडेक्स का। अभी हमने यहाँ पर ये पैटर्न जो डबल बॉटम पैटर्न है इसको फाइंड आउट किया था, इसका नेक लाइन का ब्रेकआउट मिलने के बाद ये ज़बरदस्त तेजी हमें देखने को मिल रही है। तो अभी ये जो लास्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस लेवल के पास हो सकता है ये रेजिस्टेंस फेस करी, ये फर्स्ट अटेम्प्ट, ये सेकेंड अटेम्प्ट, अभी ये थर्ड अटेम्प्ट। तो अभी कल के लिए हमारी क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल हो सकते हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं। RSI को भी देखिए तो 70 यानी 70 to 100 ओवरबॉट जोन माना जाता है, तो हो सकता है एक यहाँ पर करेक्शन देखने को मिले। तो यानी अगर ऊपर की तरफ निफ्टी अगर चला जाता है तो ये जो लेवल है 14,981 इसको अगर कम्प्लीटली ब्रेक करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 15,000, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा 15,018, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। अगर गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो वेट करें, फिर से जब एक बार हमारे इन लेवल्स को ब्रेक करता है ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन तभी एंट्री लेना सही साबित होगा, ठीक है। और अगर टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो आज का जो आर्ली चार्ट में जो लोएस्ट क्लोज है यानी अराउंड 14,894 इसको अगर ब्रेक करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजिशन बना सकते हैं और तभी ये गैप जो क्रिएट हुआ है वो फिल हो सकता है। तो हमारा तभी फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 14,879, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 14,858, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये निफ्टी के लिए इंट्राडे लेवल्स है। अभी बैंक निफ्टी में देखते हैं क्या लेवल्स हो सकती है कल के लिए।
ये कल के प्लान के अकॉर्डिंग एग्जैक्ट जो सेकेंड टारगेट था हमारा बैंक निफ्टी का, इसी के पास बैंक निफ्टी ने आज रेजिस्टेंस फेस किया है। आर्ली चार्ट में इस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं हो पा रहा था, तो कल के लिए हमारा जो ब्रेकआउट लेवल बनेगा ये बनेगा अराउंड आज का, जहाँ पर ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था वो हमारा कल के लिए होगा ब्रेकआउट लेवल, यानी 33,257 हमारा होगा ब्रेकआउट लेवल। इसके ऊपर सस्टेन करे तो ही इंट्राडे के लिए हम बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 33,330, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 33,419, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो आज का लोएस्ट क्लोजिंग लेवल जो है आर्ली चार्ट में 33,062, ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा, और तभी फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 33,014, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 32,963, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।